हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 12th सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके टू पेपर होंगे, पेपर वन एंड पेपर टू। तो इस वीडियो पर दोनों पेपर के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड राइट द सेंटेंस। लिनक्स इज अ डैश टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है? फ्री ओपन सोर्सेस। डैश इज कलेक्शन ऑफ फील्ड, तो इसका आंसर होगा रिकॉर्ड। डैश ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद डी, डैश टैग इज यूज टू क्रिएट अ रो इन टेबल। टी आर टैग आ जाएगा इसका आंसर टू का। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, जो डेली हंट के द्वारा बनाई गई। इस साल डेली लर्नर ने आई वॉच स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप पर रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों व ग्रामीण तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी पढ़ाई कर सकते। डेली लर्न अपना जल्दी ऐप लाने वाला है, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, क्विजेस मिलेगा। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखे हैं। नाम करना, एक्सप्लेन एनी थ्री फीचर ऑफ विंडो 98 ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्सप्लेन बबल्स सॉर्ट एल्गोरिथम विद सूटेबल एग्जांपल। फिर से एनी टू क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एक्सप्लेन मेमोरी मैप ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर देना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसी तरीके से ही आपके एग्जाम पर क्वेश्चंस आएंगे। डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच कैटेगरीज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड इट्स सर्विस। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। एक्सप्लेन ईच विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। एनी टू करना इसमें से, इस तरह से डिफाइन करना है इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम। उसके बाद एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का। व्हाट इज अ वायरस? राइट एनी थ्री इफेक्टिंग मेथड ऑफ वायरस। इन सब का अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। एक्सप्लेन टाइम शेयरिंग रिलेटेड टू प्रोसेस मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है। सी प्लस प्लस डिक्लेरेशन फॉर द फॉलोइंग, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद एनी वन क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर करना है। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। उसके बाद 2 क्वेश्चन को यहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं। राइट अ सी प्लस प्लस फंक्शन टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। हिंट आपको दिया गया है, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। एनी टू क्वेश्चन, राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ 80 कैरेक्टर्स एंड काउंट नंबर ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस। इस तरह से फिर आपको ये दिया गया है, राइट द एक्सट्रैक्ट आउटपुट द फॉलोइंग HTML कोड विद फॉन्ट स्पेशलाइजेशन के बारे में दिया गया। तो इस तरह से आपको दिया गया, इसको आपको सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से पेपर वन आपका एंड हो जाता है। उसके बाद पेपर टू में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसको भी आप लोगों को बता देता हूँ। इस तरह से पहले ऑब्जेक्टिव सेक्शन होगा। डैश इज अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट इन 8085 ट्रैप आ जाएगा। सेकंड का आपका आंसर 2 बाइट होगा। द लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन MVI REZ डाटा इज 2 बाइट। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन का 64 KB हो जाएगा। उसके बाद डैश केबल इज इंटेंसिव ऑफ EMI को एक्सल हो जाएगा। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। राइट एन नोट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताना है। व्हाट इज अ हब? एक्सप्लेन एक्टिव एंड पेसिव हब। इसी में से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे, तो इसको आपको सारे क्वेश्चंस को कर लेना है।
डिफाइंड टोपोलॉजी, एक्सप्लेन फिजिकल एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। उसके बाद डिफाइन करने फ्रॉम रजिस्टर माइक्रोप्रोसेसर 8085। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना है, इसी में से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर आएंगे 2022 के लिए। एक्सप्लेन एनी थ्री फीचर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद आंसर वन करना है, एक्सप्लेन मेमोरी मैप ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में दिया गया। फिर टू क्वेश्चंस को यहां पर अटेम्प्ट करने हैं, तो यहां से सारे चीज़ों को देख लेंगे। एक्सप्लेन को एक्सल केबल इन डिटेल्स में बताना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद करें, इसी में से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर इसमें आपको और यानी कि ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 पर 3 क्वेश्चन अप में एंड 3 क्वेश्चन आपको डाउन में मिलेगा। किसी एक सेक्शन का आपको आंसर देना है। तो इस तरह से आपके पेपर होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट पर मैसेज करें। थैंक यू।